हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से लेके आई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग। और आज मेरा टॉपिक ये है कि आपको कौन चाहने लगा इन दिनों, ठीक है। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, किसी भी के लिए आप देख सकते हैं, ठीक है। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो आपसे प्यार करते हैं, यस। तो आज हमारा टॉपिक ये है कि कौन आपको चाहने लगा है, यानी कि मेरा जो मेन टॉपिक ये बताने का है कि वो इंसान कौन है जो आपको चाहने वाला है, वो कैसा है, क्या दिखता है, उनकी इंटेंशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है, ये सारी चेक करने वाली हूँ। इसके अलावा जो भी कुछ मुझे इनके बारे में पता चलेगा मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। रीडिंग में जाने से पहले यही बताना चाहती हूँ कि पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और किसी नंबर को मत लीजिए, ठीक है। कोई आपको फेक नंबर दे रहा है या मेरा नाम लेके कोई बता रहा है तो प्लीज़ फ्रॉडबाजी से बचिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिएगा। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं और इंडिया से बाहर भी हैं तो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मुझे आप फॉलो कीजिएगा तो बहुत अच्छी अच्छी रील्स वहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज की कैंडल वैक्स रीडिंग। यस, मैं रेडी हूँ, आप भी रेडी होइए। सबसे पहले अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए, उसके बाद अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। ऑल राइट गाइज, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी कैच करूँगी। ये जो एनर्जी है वो उन पर्सन की है जो कि आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। कौन आपको चाहने लगा है, यस, आज का टॉपिक ध्यान में रखिए और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिए। देखिए, आज सबसे पहले मैं, हो सकता है कि ये इनकी एज है, कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं तो वो मैं आपको बताना चाहूँगी, ठीक है। नंबर 47, ठीक है, नंबर 34, ये मुझे लिटरली किसी की एज दिखाई दे रही है। 43 भी है, 44 भी है, ठीक है, 50 भी मुझे इवन लग रही है, ठीक है, 27, 28, ये जो नंबर मैं आपको बता रही हूँ बहुत सिग्निफिकेंट है और मुझे ये लग रहा है कि यस, ये जो एनर्जीज़ हैं वो इनसे ज़रूर कहीं ना कहीं आपका कोई नाता होगा, ठीक है। मैं एनर्जी कहूँ तो ये जो इंसान है, मतलब आपको न्यू लव के रूप में देख रहे हैं, आप ऑफिस में काम करते होंगे साथ में, ठीक है, और आपके, मतलब इनकी एनर्जी ये है कि आपको बहुत ही हाई रिगार्ड्स में, यानी कि बहुत इंटेलिजेंट पर्सन समझते हैं। अब ये सिचुएशन बहुत से लोगों के लिए अलग अलग होगी, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि बहुत से लोग अपने वर्क प्लेस पर हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं या आपके पार्टनर यानी कि आपके बारे में पूछ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है कोई लाइब्रेरी में काम करते हैं या फिर ऐसी कोई जगह है जहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, ठीक है। लिटरली कोई कोर्ट हो सकता है, लिटरली कोई ऐसी जगह जहाँ पे बुक्स होता है, जैसे कि लाइब्रेरी या कोई और भी स्कूल वगैरह भी हो सकता है, आप टीचर हो सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर चारों तरफ काफ़ी बड़ा रूम है, जैसे कि प्रिंसिपल का रूम होता है, ठीक है, वहाँ पे कई ट्रॉफ़ीज़ वगैरह होती हैं, ऐसी भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रही है। या लिटरली आपका वर्क प्लेस इसी जगह इस तरह का हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो इंसान है आपको किस एनर्जी में देखते हैं, तो आपके शायद ये कलीग हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ठीक है। ये आपको चाहने लगे हैं और डेफिनेटली इनमें हिम्मत और ताकत आ रही है कि आपको कुछ सच बताए, क्योंकि आप ये अपनी लाइफ में पर्सनल हीलिंग चाहते हैं, यानी कि आपसे हील होना चाहते हैं और एक नया दरवाज़ा खुल रहा है, यानी कि न्यू लव की एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है। ये पीछे मुड़ के अपनी लाइफ को नहीं देखना चाहते। इनकी लाइफ में सब कुछ, मतलब अनबैलेंस था पहले, जहाँ से वॉकिंग अवे कर रहे हैं और ये नए रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ये जो इंसान है मनी ओरिएंटेड है, इनका नाम जो है वो भी मैं इनिशियल्स बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी मुझे यहाँ पे कैच हो रही है, मुझे उसमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच पे डिपेंड है। और ये आपके बहुत अच्छे दोस्त मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। ये कोई बिजनेस करते होंगे, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हो सकते हैं या फिर कोई बहुत अथॉरिटी पोजिशन पर जहाँ पर इनको फाइनेंस की कोई कमी नहीं है। इनके लिए सब दरवाजे मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छे ऑफिसर रैंक पे या फिर कुछ ऐसी बड़ी पोस्ट पे हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कोई दिल की बात कहते नहीं है। इनका जो ब्लॉकेज है, मुझे ये लग रहा है कि इनका हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है और ये डेफिनेटली उस चीज़ को बोल नहीं रहे जो कि आपको देखते हैं, ठीक है। ये मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत से लोगों के लिए कि यहाँ पे ये आपके साथ विक्ट्री को देखते हैं, आपके साथ इनको जीवन दिखता है, अपना आगे का लाइफ दिखता है, लेकिन ये इन चीज़ों को बोल नहीं पाते। कोई ना कोई ऐसी बंदिश है, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके चलते ये चुप रहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे इनका डेफिनेटली हार्ट चक्र और थॉट चक्र ब्लॉक लग रहा है और इनको बोलने में परेशानी होती है। ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ऐसे चुपचाप रहने वाले इंसानों में से है और कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपको भी मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में
जानते हैं कि आप जैसा इंसान इनको ज़िंदगी में कभी नहीं मिला, आप में कुछ ऐसा ढूंढते हैं जो कि इनको बरसों से किसी में नहीं दिखा, ठीक है। तो ये आपको परफेक्ट पार्टनर के रूप में या परफेक्ट कपल के रूप में आपको देखते हैं, और कहीं ना कहीं रोज़ सोच के इनको यही लगता है कि यस अगर आप इनकी ज़िंदगी में आएंगे या फिर आते तो कितना अच्छा होता। मैं आते का नाम क्यों ले रही हूँ, क्योंकि इनको ऐसा मुझे फील होता है कि इनका कोई पास रह चुका है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, आपकी जो जैसे कि मैंने इनकी एज बताई तो काफ़ी मैच्योर आपके इंसान है, तो इनकी या तो एक बार शादी होकर टूट चुकी है, या फिर शादी प्रॉब्लम दे रही है, या फिर कुछ ऐसा शादी से संबंधित कुछ ऐसा मामला है जिसको लेकर ये आज तक मतलब वो चीज़ें डेवलप नहीं हुई जो कि एक पर्सनल लाइफ में होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा शादीशुदा मुझे बहुत सारे लोग लग रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो भी इस रिलेशनशिप है आपका, आपके लिए ये एनर्जी है कि यस ये दिल के दरवाजे आपके लिए खोलना चाहते हैं, और एक न्यू बिगनिंग की मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है, ठीक है। आपको एक न्यू लव के रूप में देख रहे हैं, और डेफिनेटली आपके जीवन में आने से इनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलने लगा है। कुछ बातें आपने की है जो कि इनको बहुत ज़्यादा भा जाती हैं आपके लिए, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है कि ये आपसे कुछ भी करके आपसे ये हील होना चाहते हैं, और आपसे एक विक्टोरियस लाइफ को देखते हैं। अभी क्या सिचुएशन है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इनका कोई पास्ट है जिससे वॉकिंग अवे करके आए हैं, ठीक है। कोई डिवोर्स भी हो सकता है लिटरली। अब देखिए मैं बताती हूँ कि इनके नाम में क्या अक्षर आ सकते हैं, क्योंकि आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो यही लिया है कि आपको कौन चाहने लगा है, तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा इस बात का हो जाएगा कि ये इंसान है जो कौन है, ठीक है। तो इनके नाम की इनिशियल मैं बता रही हूँ। सबसे पहले इनके नाम में ए आता होगा, ठीक है, डी आता होगा, पी आता होगा, मुझे एस लग रहा है कि कुछ कुछ के लिए, ठीक है, और टी लगता होगा, वी बी भी आ सकता है, ठीक है, और जे जी के, ठीक है, एल एम एन, ठीक है, ये कुछ इनिशियल है जो मैंने बताए हैं, ठीक है। कुछ के लिए वी मैंने बताया, बी भी है, ठीक है, ये जो नाम के इनिशियल है वो मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है। इनका जो स्टार साइन है वो भी बात कर लेते हैं, मुझे पाइसेस स्ट्रांगली कोई लग रहा है, ठीक है, पाइसेस इनका या आपका स्टार साइन होना चाहिए। इसके अलावा टॉरस, एक्वेरियस और जेमिनी मुझे स्ट्रांगली लग रहे हैं। इसके अलावा यही साइन है जो मुझे प्रोमिनेंट, एरीज भी मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है, लेकिन जो मैंने बताया वो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कौन पर्सन है, ये डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान है, जिनके बारे में आप ये जैसे कि मैंने कहा वर्कोहॉलिक हैं, ये बहुत दिमाग के तेज हैं, और कोई बिजनेसमैन या कोई बहुत अथॉरिटी पोस्ट पर हैं, ठीक है, ये जो भी काम करते हैं हिम्मत और ताकत से करते हैं, और इनको एक जज्बा है, डेफिनेटली इनको एक कॉन्फिडेंस रहता है अपने आप में, कॉन्फिडेंस लेवल जो है इनका बहुत हाई है, ठीक है। इन दिनों शायद ये बहुत ज़्यादा काम में बिजी हैं, और ये कहीं ना कहीं कोई जैसे वर्क प्लेस पर इनके कुछ ना कुछ ऐसी है जिसको लेकर ये बहुत पजल हो रहे हैं, ठीक है। ये बहुत बहुत सी बातें अलग अलग होगी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई बात ऐसी है जो कि आपसे भी छुपी हुई है। ये लिटरली जानते हैं कि आपका इनका क्या संबंध है, लेकिन फिर भी ये किसी बात को लेकर आपसे कुछ चीज़ें छुपाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव या कम बोलते हैं, तो आपको बहुत कम बारे में इनके बारे में पता चला है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये जो चाहने वाले हैं बहुत ज़्यादा आपको लेकर कन्फ्यूजन में है, इनके पास कोई रास्ता नहीं है जो कि आपको अप्रोच करे, ठीक है। इवन रास्ते तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनमें हिम्मत और ताकत सब चीज़ की है, लेकिन कोई प्यार में एक्सप्रेस कैसे करता है ये नहीं मालूम, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश कर रहा है कि कैसे अप्रोच करूं, कड़ियाँ बांधने की कोशिश कर रहा है, या आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यस, इनको लगता है कि आप इनके पास्ट लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टिव फील करते हैं आपसे। कई बार इनको लगने भी लगता है कि यस आपका कोई संबंध है, जिसके कारण ये बहुत सारी बातें इनके मुँह से वही निकलती है जो आप चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, इसमें कोई भी नेगेटिविटी मुझे नज़र नहीं आ रही, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच पे हैं, और जैसे कहते हैं मनी माइंडेड इनका दिमाग है। ये हमेशा स्वतंत्र रहना इनको बहुत अच्छा लगता है, फ्रीडम से काम करना अच्छा लगता है। जहाँ भी अथॉरिटी पोजीशन पे है वहाँ पे खुद के डिसीजन लेते हैं, किसी के अंडर में काम करना इनको अच्छा नहीं लगता। और एक चीज़ गाइज मुझे यहाँ पे और लग रही है कि ये जो है आपके साथ मतलब जैसे स्वतंत्र रह के कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। इवन अभी तक इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे हिंट दिए होंगे, लेकिन इनकी हिम्मत आपकी
आपके लिए कुछ ऐसी है कि बोल नहीं पाते गाइज। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं लव लाइफ को लेके, ठीक है। यानी कि अगर ये डिटरमाइन है तो मतलब हिम्मत और ताकत वाले हैं, डेफिनेटली हैं, कॉन्फिडेंस लेवल इनका बहुत अच्छा है, लेकिन ये जब प्यार वाली बातें आती हैं तो उसमें पिसड्डी हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोअर मार्क्स आते हैं इसके इनके सॉरी। तो गाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये दिल की बातों में बिल्कुल पीछे हैं, ठीक है। मुझे अगर इनकी करंट फीलिंग्स कहूँ तो ये बहुत ज़्यादा बोरिंग टाइम फेस करते हैं, चुपके चुपके आपको देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये फील होता है कि मैं रिजेक्टेड हूँ इस मामले में, मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ। ये खुद को पहचानते हैं कि यस इंटेलिजेंस इनमें भर भर के है, लेकिन ये जब प्यार का मामला आता है तो बिल्कुल पीछे हट जाते हैं, सबसे पीछे रो में खड़े होते हैं, ठीक है। इनको बुद्धि नहीं आती, इनको इनको रास्ता दिखाई नहीं देता कहाँ से जाया जाए, और ये आपसे नई शुरुआत करने के लिए रेडी हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनकी एनर्जी बार बार आपसे कहती है कि यस आपसे कन्फेस करें, आपसे कुछ बात करें, आपसे लविंग वाली बात करें, लेकिन इनको जब भी ये महसूस होता है तो इनको डर के मारे इनके इरादे चेंज होने लगते हैं बार बार, ठीक है। बैक एंड फोर्थ चलता रहता है, जाऊँ नहीं जाऊँ, कहूँ ना कहूँ, ये वाली चीज़ें ये बैलेंस करते हैं अपने आप को, फिर से उसी राह पर आ जाते हैं कि यस थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया जाए। ये जब भी आपके साथ या कोई ऐसी वैसी बात करना चाहते हैं तो ये इरादे पोस्टपोन हो जाते हैं। मुझे लगता है इसको देख के और ऐसी एनर्जी को देख के अपना सिर पकड़ लेते हैं कि मैं मेरी इस एनर्जी से बाहर कब आऊँगा। गाइज मुझे ये लग रहा है कि यस ये अंतरात्मा से आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऑफ़र देना चाहते हैं। प्रिपरेशन चलती रहती है कुछ ना कुछ करने की, कभी फूल देने की, कभी आपको बुके देने की, कभी कोई गिफ्ट छोटा मोटा, या कभी कोई ग्रीटिंग कार्ड आपके लिए करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको हिम्मत नहीं आती। जैसे कि मैंने अभी बताया करंट फीलिंग्स में भी मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको कोई ऑफ़र आने वाला है लेकिन ये हिम्मत नहीं कर पा रहे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इनको, जैसे कि मैंने कहा कि आपके वर्क प्लेस पर हैं तो इनको समझ आती है कि यहाँ पर ये टाइम सही नहीं है, या फिर ये इरादे सही नहीं रखते अपने। मतलब कहने का ये है कि टाइम और परफेक्ट टाइम इनको मिलता नहीं है। और गाइज मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनको कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टिविटी फील होती है, एक दोस्ताना चीज़ जो है किसी एक से महसूस होती है, उस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। एक बहुत अच्छा दोस्त, एक बहुत अच्छा साथी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे हमारे टैरो कार्ड में देखते हैं ना एस ऑफ वॉन्स, आपसे एक पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें दिल खोल के आपसे बातें करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हिम्मत और ताकत कहाँ से लाएं, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि आपसे बहुत रिकनसाइल होने के लिए रीयूनियन के सपने देखते हैं, लेकिन इनको सपने सपने ही लगते हैं, वो सच होते हुए नज़र नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत दबू किस्म के हैं इस मामले में। और डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल की स्थिति में कुछ मतलब जैसे कहते हैं ना कोई हेल्थ इश्यूज भी इनके आसपास है, ठीक है। और ये बहुत कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो कि कुछ सच है जो बताने की हिम्मत आपको नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये बातें इस तरह से चल रही हैं इनकी। अब मैं बताने जाऊंगी कि यहाँ पे इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। वेट अ सेकेंड गाइज, मैं इसको रखने की कोशिश करती हूँ। ऑलराइट, तो मुझे इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपके साथ क्या करने वाले, तो मुझे ऐसा लगता है ये आएंगे, ज़रूर आएंगे, आपके लिए कोई स्टैंड लेने की सोच रहे हैं, लेकिन इनकी एनर्जी ये है कि ये आपके साथ खुशियाँ देखते हैं, ठीक है। आपको एक जैसे कहते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा आप भी इनकी तरह इनको लगते हो कि यस आप एक परफेक्ट पार्टनर हो। तो जब मैंने कहा कि ये बहुत अथॉरिटिव है तो आप भी कहीं कम नहीं है, आप भी कुछ बहुत अच्छा इंटेलिजेंट वर्क करते हैं, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इनके कलीग हो सकते हैं बहुत से लोगों के लिए, मुझे यही लग रहा है, लेकिन ये बात नहीं है तो भी आपसे रीडिंग मैच हो सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप वर्क प्लेस से हैं, अगर आप जो भी हैं आप इंडिपेंडेंट हैं तो डेफिनेटली आप घर से कोई काम करते होंगे तो भी आपसे बहुत इंस्पायर होते हैं और आपसे न्यू बिगनिंग करने के लिए रेडी हैं। पर थोड़ा सा इनको हेजिटेशन इसलिए होता है कि जहाँ ही अपने आप को गार्ड कर रहे हैं वहीं पर आपका कहीं ना कहीं स्टैंड भी लेना चाहते हैं, आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मुझे ऐसा लगता है कि मनमुटाव तो होते रहते हैं आप में, इनमें अगर कोई बातचीत भी होती है तो आपके इरादे या इनके विचार नहीं मिलते, जिसके कारण ये थोड़ी बहुत छोटी मोटी फाइट भी हो जाती है, आपसे कहा सुनी हो जाती है, लेकिन ये इस बात को कभी भी नहीं मानते। ये आपसे स्टेबिलिटी और जैसे कहते हैं ना कि आपके साथ आगे तक बढ़ने की सोचते हैं, ठीक है। मुझे ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा समझते हैं कि इसकी जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर ही है, ठीक है। चाहे आप किसी भी स्थान पे हो, चाहे आपकी कोई भी सिचुएशन हो, इनको ये फील होता है कि इसकी जिम्मेदारी तो मेरे हाथों में है, ठीक है। अभी किस तरह से एनर्जीज मैच हो रही है आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे ये आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, लेकिन ये बहुत स्लो एनर्जी में आएंगे। मैंने कहा बहुत जल्दी और स्लो भी बोला, तो मेरा मतलब ये है कि गाइस ये आना चाहते हैं लेकिन
थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा डिवाइन टाइम वर्क करेगा, थोड़ा सा आपकी चीज़ें वर्क करेगी। मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये जो इंसान है आपको चाहने लगा है और डेफिनेटली आपका कोई मैनिफेस्टेशन जो है वो वर्क करने लगा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पास चॉइसेस भी हैं, यस इनके एक और भी एडमायरर्स हैं क्योंकि बहुत अथॉरिटिव हैं, पैसे से भी अट्रैक्शन है और इसी बात के लिए बहुत ज़्यादा लोग इनके पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन ये क्या है कि मन ही मन आपको चाहने लगे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी ऐसी लग रही है, तो आप देखते हैं कि आपका इनके साथ क्या भविष्य हो सकता है। देखिए अलग अलग होगा सबके लिए, मैं सिर्फ थोड़ी सी बातें आपको बताऊंगी कि हो सकता है कि ऐसा भविष्य रहे आपका भविष्य में। तो सबसे पहले मुझे आपका भविष्य में यही लग रहा है कि ये अपने आप को आपके साथ थोड़ा चेंज करने में लगाएंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि इनको अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा बेटा सेकेंड थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि ये आपसे रिबर्थ करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा चेंज करेंगे, बदलाव दिखाई दे रहे हैं। आने वाले टाइम में आपके साथ इनका फ्यूचर क्या रहेगा वो चीज़ें मैं बता रही हूँ। तो ये कहीं ना कहीं आपके अट्रैक्शन में ज़्यादा रहेंगे, कुछ चीज़ों को छोड़ के, कुछ पैटर्न्स को छोड़ के, ठीक है। जैसे कोई फ्लर्ट एनर्जी है उन चीज़ों को छोड़ के आप पे फोकस करेंगे और आपके साथ जो इनका पैटर्न चल रहा था, कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे या फिर कंपटीशन चल रहा था, तो ये उसमें मतलब जैसे कहते हैं कि अब ये पैटर्न्स को मतलब क्या है कि ब्रेक करने की कोशिश करें। जो चीज़ें आप दोनों को जैसे भी जैसे कहते हैं ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कोई कंपटीशन कर रहे हैं तो आप में खींचातानी जो चलती रहती है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। एक पैटर्न जो चलता है या कहीं ये स्टक हैं तो उस स्टक एनर्जी से बाहर आएंगे, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपका कहीं ना कहीं यूनियन दिख रहा है मुझे। यूनियन से मेरा मतलब देखिए सबके लिए डिफ़र करेगा। मुझे लगता है कि भविष्य में आप या तो बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं, चाहे अभी आप में लड़ाई झगड़े होते हैं, चाहे कुछ भी होते हैं, कंपटीशन होता है, किसी बात की खींचातानी चलती है, पर ये डेफिनेटली भविष्य में आपके अच्छे दोस्त, अच्छे पार्टनर या फिर कुछ लोगों के लिए लिटरली यूनियन हो सकता है आपका, ठीक है। आपका अट्रैक्शन इतना बढ़ जाएगा कि आप दोनों में बहुत कुछ बातें आगे बढ़ेगी। आप समझ रहे हैं क्या बात कह रही हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गो विद द फ्लो करेंगे, जैसा डेस्टिनी ले जाएगी यानी कि भाग्य जैसा वर्क करेगा उसके साथ चलेंगे। फ्यूचर में ये भी होने वाला देख पा रही हूँ कि मैं आप बहुत ही प्योरिटी के साथ एक दूसरे को बताएंगे अपनी चीज़ें, ठीक है। अब आप दिल में नहीं छुपाएंगे और खूब मतलब जैसे कहते हैं कि बिल्कुल साफ साफ शब्दों में आप एक दूसरे को बातें करेंगे और ये जो कम्युनिकेशन है आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आप हर तरह की बातें कर पाएंगे और ऐसा भी लगता है मुझे बहुत से लोगों के लिए कि ये जो इंसान है कि जैसे वो कहते हैं ना कि वो एनर्जी है कि आपके साथ चलने के लिए आपके कदम से कदम चलाएंगे, आपको बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा लवर, बहुत अच्छा फ्रेंड, जो भी आपका रिलेशन जैसे भी, मुझे लिटरली किसी की शादी भी दिख रही है लेकिन ये बहुत कम लोगों की है, ऐसे रिलेशनशिप में शादीज़ मैं बहुत कम देख पाती हूँ, इसलिए कोई दिलासा नहीं दे रही। लेकिन यहाँ पे देखिए ऐसी एनर्जी है जो प्योरिफिकेशन की है, ठीक है, यूनियन की है, रीबर्थ की है, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि यस ये जो इंसान है आपसे इनका भविष्य जो भी है बहुत उज्ज्वल है। उज्ज्वल से मेरा मतलब है पॉजिटिविटी आएगी सबके लिए, धीरे धीरे सबके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। इस रिलेशनशिप को आप कंटिन्यू करते हैं तो आगे आपको प्रोग्रेस ही दिखाई देगी, ठीक है। नेगेटिविटी मुझे नहीं दिखाई दे रही, टू बी ऑनेस्ट जो आपको चाहने लगे हैं डेफिनेटली इनके साथ आपका रिश्ता आगे तक रहेगा, ठीक है। तो आज की एनर्जी में मुझे ये दिखाई दिया। जाने से पहले कुछ मैसेजेस और एक सॉन्ग आपको ज़रूर सुनाऊंगी क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एक सॉन्ग सुनना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वेट अ सेकेंड, देखिए बहुत ही अजीब सी एनर्जी है पर आप ये सॉन्ग ज़रूर सुनिए। धरती धरती जिगर दिल में जगाया आपने, पहले तो मैं शायर था आशिक बनाया आपने। बिल्कुल आपने आशिक बनाया होगा इनको, ठीक है। कोई ना कोई जादू मंत्र चलाया होगा, अपने तीरों के बाण, आंखों के तीरों के बाण चलाए होंगे आपने, कुछ तो किया है जो ये इंसान आपको चाहने लगा है, ठीक है। तो आज की एनर्जी में तीन मैसेजेस यही लूँगी। यस फर्स्ट मैसेज आपके लिए ये है कि आपके लिए भविष्य देखते हैं, ठीक है। दूसरा मैसेज आपके लिए ये है कि ये जो इंसान है आपके लिए कभी भी स्टैंड लेने से घबराएगा नहीं, ठीक है। और तीसरा मतलब जो भी सिचुएशन है उसमें कभी आपका स्टैंड लेना पड़े तो ये आपकी तरफ बोलेंगे, ठीक है। और तीसरा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यस ये किसी सिचुएशन से या कोई रिलेशनशिप पास्ट का है उसको छोड़ के आपसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दी। आपको रीडिंग पसंद आती है बिल्कुल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए,
मेरी रीडिंग्स का वेट करते हैं तो आगे भी कीजिएगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो क्यों नहीं करते हैं गाइज़, वहाँ पे मैं बहुत अच्छी रील्स डालती हूँ। आज मेरे टेरेस पे एक छोटे छोटे चिड़िया ने बच्चे दिए हैं, पर वो घोंसला बिल्कुल रेयर है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो जाके देखिएगा, ठीक है। और मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि ऐसा घोंसला, मुझे पत्तियों से बना हुआ घोंसला कभी नहीं देखा होगा आपने, ठीक है। जो पेड़ की पत्तियाँ होती हैं उससे बना हुआ एक घोंसला है, और आपने देखा होगा एक बहुत छोटी सी टेल बर्ड आती है जिसका साइज़ बहुत छोटा होता है, उसके बच्चे हैं वो, आप देखिएगा, बहुत है। आपको ये रील देखना, बहुत ही प्यारी है, मेरे टेरेस पे उसने बच्चे दिए हैं, तो मैंने आज उसकी रील बना के आपको भेजी है। आपको पसंद आती है तो लाइक दीजिएगा, फॉलो कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम को, ठीक है। इसके अलावा जो भी मुझे रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है मैं उस पर रील डालती हूँ, ठीक है। तो फॉलो कीजिएगा, और पर्सनल लिंक के लिए चेक कीजिएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और कहीं नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज, मेरा वेट कीजिएगा, जाइएगा कहीं मत, मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज, बाय।